खबर 100। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम शिवराज ने आपदा और बचाव कार्य की दी जानकारी। कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। नेवावर में नर्मदा नदी खतरे के निशाने के पार। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चोरी गैंग का किया खुलासा। मध्य प्रदेश में लगातार तेज बारिश के चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आपदा और बचाव कार्य की जानकारी दी। शिवराज ने कहा कि रात भर प्रशासन में राहत और बचाव कार्य में लगे रहे। प्रशासन ने पूरे प्रयास करके जान का नुकसान नहीं होने दिया। साथ ही शिवराज सिंह ने यह भी कहा कि सभी प्रदेश के हालत नाजुक बताए जा रहे हैं। रात भर चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में लगभग 8,000 लोग बचाए गए हैं, उन्हें सुरक्षित कैंपों में पहुंचाया गया है और सेना ने सुबह से एयरलिफ्ट करने का ऑपरेशन शुरू किया है। आइए सुनते हैं क्या कहा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस रिपोर्ट के जरिए। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, पूरा प्रशासन स्वयं पूरी रात राहत और बचाव के काम में लगे रहे और मुझे ये बताती हुई खुशी है कि हमने जान का नुकसान कम से कम नहीं होने दिया। प्रदेश के 12 जिलों के 411 गांव बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है और नर्मदा मैया ने जो 99 में बाढ़ आई थी उसके रिकॉर्ड को तोड़ा है। होशंगाबाद की कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। साहेबगंज हो, बरेली हो, कई नगर नर्मदा मैया की बाढ़ की चपेट में है। रात भर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चले उनमें लगभग 8,000 के आसपास भाई और बहनों की जानें बची हैं। सीहोर जिले के नरेला में पेड़ पर बैठे हुए पांचों लोग रात को 2:30 बजे सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। सवेरे एयरफोर्स अपना ऑपरेशन प्रारंभ कर रही है। मैंने आज प्रातःकाल सम्मानित प्रधानमंत्री जी से चर्चा कर उनको पूरी स्थिति की जानकारी दी है। उनका स्नेहपूर्ण समर्थन, सहयोग और आशीर्वाद हमको मिल रहा है। रात को मैंने सेना के 5 हेलीकॉप्टर मांगे थे, 3 हेलीकॉप्टर टेक ऑफ कर चुके हैं, 2 की और तैयारी है। एक तो बालाघाट जिले के कुलमी गांव में जो हमारे भाई बहन फंसे थे खैरलान जी के आसपास, उनमें से 3 सुरक्षित निकले आए हैं, 1 की तलाश जारी है। एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर उन्हें ढूंढ रहा है। एयरलिफ्ट करने का ऑपरेशन हमारा रायसेन जिले के भौती गांव में प्रारंभ होने वाला है। सीहोर जिले के सोमल बाड़ा से भी हम एयरलिफ्ट करके फंसे हुए लोगों को निकालेंगे। जहां जरूरत पड़ेगी अब एयरफोर्स पूरी क्षमता के साथ सहयोग करने को तत्पर है। हमारे
रायसेन जिले के मुतलसिर बगलवाड़ा जीराबाड़ा सत्रावन फंसे हुए भाई और बहन परेशान ना हो, आर्मी के दो कालम बरेली और बाड़ी भेजे जा रहे हैं, वो पूरी तरह से उनको सुरक्षित रखने में प्रशासन की मदद करेंगे। होशंगाबाद जिले के निमसारिया छोटी वाला भेंट चपलासिर बांद्रा भान में कुछ भाई और बहन फंसे हैं, आर्मी और एनडीआरएफ की टीम उनको निकालेगी। हमारे सीहोर जिले में भी खड़गांव मजली सातदेव नीलकंठ नेतनखेड़ी सुड़ानिया बमहोरी ये गांव भी घिरे हुए हैं, लेकिन प्रशासन लगातार उनके संपर्क में बना हुआ है। जरूरत पड़ी तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के साथ आर्मी के जवान हमारी मदद करेंगे। आर्मी का कालम नसलागंज और साहेगंज को बेस बनाकर आसपास के सब लोगों की मदद करेगा। एक राहत की बात यह है कि अभी बारिश भी कई जगह थमी है, बांधों से भी डिस्चार्ज थोड़ा कम हुआ है तवा से, और नर्मदा जी का जल स्तर धीरे धीरे कम होना प्रारंभ हुआ है, लेकिन हमें सावधान रहने की जरूरत है। और इसलिए मैं सभी बाढ़ से घिरे गांव के बहनों और भाइयों से अपील करता हूं कि प्रशासन के कहने पर कृपया करके वो बाहर जरूर निकले आए। कल दिन में भी हमने कई गांव के लोगों से कहा था, लेकिन तिछाड़िया जैसे कुछ गांव से लोग बाहर दिन में नहीं आए, रात में वो कष्ट में थे। मेरा आग्रह है कि प्रशासन निकलने का कहे तो तुरंत निकल आए। अभी भी बारिश हो सकती है, डैम सारे भरे हुए लबालब, और ऐसी स्थिति में फिर बाढ़ की स्थिति बन सकती है। बाढ़ तो है ही, लेकिन पानी और बढ़ सकता है, इसलिए सावधानी रखना बहुत जरूरी है। दिन में घिरे स्थानों पर रहने की जिद ना करें। कोविड के इस काल में भी राहत शिविरों में हम यथासंभव बेहतर से बेहतर व्यवस्था करेंगे, लेकिन आपके सहयोग की जरूरत है। बहनों और भाइयों, मैं तत्पर हूं, प्रशासन तत्पर है, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे इस आपदा से निपटने में। बस आपके सहयोग की जरूरत है, और एक बार मैं फिर समाज से भी संस्थाओं से व्यक्तियों से संगठनों से अपील करता हूं कि आपका सहयोग भी चाहिए, आप भी सहयोग के हाथ बढ़ाइए। भोजन वस्त्र जो भी सहायता हो सके वो सहायता हमारे प्रभावित भाई और बहनों की सेवा के लिए कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आरोन परियोजना में पदस्थ पर्यवेक्षक प्रेमलता लोधी के विभिन्न आरोपों के तहत जांच परियोजना अधिकारी अधीरा सेंगर कर रहे हैं। इस मामले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका तथा समूह की महिला ने अपने लिखित बयान में बताया कि प्रेमलता लोधी हर महीने पैसे की मांग करती है और पैसे ना देने पर धमकी देती है कि तुम्हें पद से हटा दिया जाएगा। आरोन के स्थानीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने मीडिया से चर्चा करते हुए जानकारी दी कि कार्यक्रम अधिकारी द्वारा किसी भी पर्यवेक्षक या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से दुर्व्यवहार नहीं किया गया है। उन पर जो भी आरोप लगाए गए हैं वे सभी आरोप झूठे हैं। जिला कार्य
जिला कार्यक्रम अधिकारी के साथ साथ परियोजना अधिकारी का भी व्यवहार हमेशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ सहयोग का रहा है। कल कुछ नहीं, कल मेरी सेक्टर बैठक थी कार्यकर्ताओं की और मैं अच्छे से बैठक ले रही थी, तो 3:30-4 के समथिंग DPO सर जो है श्री DS जाधव, वो अचानक आते हैं CDPO सर के साथ में और आकर ही बहुत झल्ला के, बहुत चिल्ला के, बदतमीजी के साथ बात उन्होंने मेरे से की। फिर मैं सुनती रही, ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो, मिलकर सर काम ही तो कर रहे हैं। फिर कहना चुप रहो, मैं चुप हो गई। फिर कार्यकर्ताओं से भी बहुत रूठली बात की बदतमीजी से, है ना। फिर कहना कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद में बोले कि ना आप जाओ कार्यकर्ताओं को, तो कार्यकर्ताओं को मैंने बोला आप मीटिंग पूरी नहीं हुई है, आप रुक जाओ। तो ये लोग मीटिंग हॉल के बाहर खड़े हो गए। फिर DPO मेरे से बोलते हैं कि मैडम आपके इधर से कुछ नहीं आता, मुझे 7,000 रुपये महीने चाहिए हर महीने का। मैंने कहा सर अभी स्थिति क्या है, कार्यकर्ता दे पाएगी नहीं दे पाएगी, मैं अपनी सैलरी से तो नहीं दूंगी आपको, कहाँ से दूं पैसे। तो कहना नहीं, वो तो ऐसा करना ही पड़ेगा, ठीक है। जब मैंने कहा नहीं सर मैं सैलरी से नहीं कर पाऊँगी, मेरे ही लिए पर्याप्त नहीं हो पाती है, मेरे भी बच्चों का लालन पालन करना पड़ता है, मेरे घर में और कोई कमाने वाला है नहीं मेरे सिवा, तो ठीक है। कहना तुमको ज़्यादा चर्बी चढ़ रही है, गर्मी चढ़ रही है, इधर उधर निकालती फिरती हो, तुम्हारी गर्मी निकालती है। और उन्होंने मेरे सीने पे हाथ रखा, है ना। मैं बहुत तेज़ रोई, चिल्लाई, तो चिल्लाने की और रोने की आवाज़ सुन के ये सारी कार्यकर्ताएँ, 2-5 कार्यकर्ताएँ आई अंदर। तो फिर वो इनको भी चिल्लाते हुए चले गए, जो दिखे सो कर लेना, और अगर मेरे खिलाफ अगर किसी ने कुछ भी बोला किया तो मैं सबकी नौकरी खा जाऊँगा, इस तरह से वो बोलते हुए चले गए। हम आरोन थाने में भी गए थे, वहाँ पे भी उन लोगों ने FIR नहीं लिखी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक नारी के सम्मान के साथ औरत निकलती है नौकरी के लिए तो वो अपनी इज्जत लेके चलती है। बाहर के अधिकारी जो भी हैं उसको गैर इज्जत ना समझें, उसका सम्मान करें। आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी के भी साथ हो सकता है, तो इस तरह की स्थिति और निर्मित ना हो इसलिए मैं ये सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए मैं आज कलेक्टर सर को आवेदन देने आई हूँ, मैं SP कार्यालय भी जाऊँगी और मैं रुकूंगी नहीं जब तक कि मुझे शुगर रखा। हाँ, क्या हुआ था कल इनके साथ? मीटिंग थी कार्यकर्ताओं की, तो सर आए थे वहाँ पर, हम लोग भी थे वहाँ पर, उनसे बदतमीज से बात कर रहे थे। तो फिर हम लोगों ने किया ना, उनसे कहा कि ठीक है आप यहीं रहोगे ना, तो ये लोग अंदर चले गए मीटिंग करने के लिए। इनने कहा आप लोग बाहर जाओ, हम बाहर चले गए। तो उसके बाद में बाहर खड़े हो गए गेट के पास में, क्वीन की आवाज़ आई चिल्ला चोट के, 5 से 3 मिनट के बाद में चिल्ला चोट की आवाज़ आई, हो जो रोने लगे कस के। तो हम लोग अंदर गए, जैसे ही हम लोग अंदर गए तो साहब बोलने लगे जो तुमसे बन जाए वो तुम कर लेना, और ऐसा बोल के निकल गए हमारे पास। आपने पूछा कि क्यों रो रहे थे तो क्या जवाब दिया उन्होंने? उन्होंने बोला कि उन्होंने मेरे साथ में बदतमीजी करी थी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुधा रघुवंशी जी निवासी पनवाड़ी हाट, मैं बताना चाहती हूँ कि कल दिनांक 27 अगस्त को मैं अपने केंद्र पनवाड़ी हाट में रहकर कैंप का संचालन कर रही थी। जानकारी मिली है कि किसी अज्ञात महिला ने मेरे नाम से स्वयं उपस्थित होकर DPO सर की शिकायत कलेक्टर सर को की है। मैं बताना चाहती हूँ कि यही उपरोक्त महिला फर्जी है। DPO सर एवं CDPO सर का बढ़ेगा व्यवहार हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत अच्छा है। आपका नाम क्या है? कहाँ रहती हैं? कौन सी आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता हैं? 14। आप सभी कार्यकर्ता हैं? हाँ। आपके प्रति सर का व्यवहार कैसा है? अच्छा। कभी सर के द्वारा आपसे पैसे मांग गए? नहीं सर। ये ऑर्डर था कि नहीं सर के द्वारा जो कल आरोप लगाया गया, कल आप थोड़ी नहीं थे ऐसी थी? नहीं नहीं। उसमें कितनी सच्चाई है, क्या हुआ था? सर हमारे सामने कुछ भी नहीं हुआ, जो आरोप लगाए वो सब झूठे हैं। ये हुआ था तो पनवाड़ी सेक्टर की शुक्रवार हमारे कलेक्टर महोदय द्वारा 24 तारीख को बैठक ली गई थी। तो वो कुपोषण के प्रति बहुत ही गंभीर हैं, तो उन्होंने डाटाबेस तैयार करने के लिए, सूची तैयार करने के लिए एक अभियान चला रहे हैं। इस संदर्भ में DPO महोदय द्वारा 26 तारीख को आरोन सेक्टर की बैठक रखी थी, ठीक है। आरोन सेक्टर की थी तो ये पनवाड़ी, जबकि यहाँ से आरोन से मुख्यालय 20 किलोमीटर दूर है,
तो उनकी कार्यकर्ताओं की बैठक वहीं रखने थी, तो बिना बताए एक तो ये वहाँ की कार्यकर्ता अपने आप परेशान करती हैं और उस बैठक में ये आ गई थी। तो डीपीओ साहब ने इनसे बस यही पूछा था कि आपके सेक्टर की उपस्थित बच्चों की सूची बता दें कहाँ है और क्या कार्रवाई चल रही है। तो बस ये इसी पर वो भड़क गए कि मेरे को अन्य काम भी होते हैं यही नहीं है। तो उन्होंने कहा ये कलेक्टर साहब का प्रोग्राम है तो इसको सीरियसली लें। तो ये गर्म हुई तो उन्होंने कहा शांति से बैठ जाएं आप बात करें, बस इसके अलावा इनसे कोई बात नहीं की गई और ये बस यहाँ से चली गई और पता नहीं क्या रहा है, इन्हें आरोप लगाए सरासर। सर ये भी सूचना मिली है कि सुपरवाइजर द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से पैसे मांगे जाते हैं। ये शिकायत तो मुझे मिली थी और उसको जाँच अधिकारी मुझे भी बनाया था तो मैंने ये रिपोर्ट भेज दी है। क्या हम आपसे आशा कर सकते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का शोषण बंद होगा? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा दायित्व है कि ऐसा ना हो जी, तो हम पूरी प्रयास कर। मध्य प्रदेश के सात सात शहर के बिजली बिल में मूल वृद्धि को लेकर उज्जैन शहर और जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता ने धरना प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की, साथ ही महानंदा नगर स्थित विद्युत केंद्रों का घेराव भी किया। आंदोलन करते समय जनता ने भी कार्यकर्ताओं का बिल्कुल सहयोग किया। कार्यकर्ताओं की मांग है कि गरीबों के बिजली के बिल की समस्या को हर हाल से हल किया जाए, गरीबों की आवाज़ प्रदेश सरकार तक पहुंचाई जाए। पूर्व में कांग्रेसियों ने बिल की समस्या को लेकर कई सड़क खेड़ापति जोन बल्लभ नगर छतरी चेक और अशोकनगर स्थित विद्युत केंद्रों का घेराव भी किया था। साथ ही कार्यकर्ताओं ने कहा कि आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक गरीब मजदूरों के बिलों को सुधार नहीं किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस सचिव और पूर्व महापौर प्रत्याशी दीपक मेहरा ने बताया कि कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता शहर अध्यक्ष महेश सोनी के नेतृत्व में लगातार यह आंदोलन जारी रहेगा। इस आंदोलन में कांग्रेस शहर अध्यक्ष महेश सोनी, जिला अध्यक्ष कमल पटेल सहित कांग्रेस के अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज आपका लगातार धरना प्रदर्शन चलता आ रहा है जो महानंदा नगर को आपने घेरा है, तो क्या है पूरा समस्या है? देखिए आज हमारे पांचवे चरण का आंदोलन है, लगातार ये पांचवा जोन है आज जो हम लोगों ने घेरा है शहर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में, आदरणीय महेश सोनी जी के नेतृत्व में। और अभी अभी हमें कोई खबर प्राप्त हुई थी अखबारों के माध्यम से कि शिवराज सिंह चौहान ने कुछ मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में कुछ नियमों को लेकर कुछ फेरबदल किया है। हमारे द्वारा और शेर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा डॉक्टर बिट्टू शंकर जोशी जी और महेश सोनी जी और तमाम नेताओं द्वारा जो वो पत्र पढ़ा गया तो उसमें उस पत्र में छल के अलावा कुछ नहीं दिखा। आम जनता को के बारे में किसी भी प्रकार की बात उसमें नहीं लिखी है, ना ही बिल का निदान होने की बात लिखी है, बस एक पत्र निकाल दिया, बस उस पत्र के माध्यम से आम जनता को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा आप लोगों के माध्यम से कहना है जो लोग लाखों रुपए के बिल जमा कर चुके हैं, जिनको डरा धमका के मध्य प्रदेश विद्युत मंडल ने बिल जमा करा लिए है, उन लोगों का क्या होगा? और जिन लोगों की लाइटें काटी जा रही है, हमारा सर्वप्रथम विरोध इसी बात का है कि लॉकडाउन से लेकर अभी तक लाखों रुपए के बिल आम जनता को थमाए जा रहे हैं, जबकि इन कोरोना महामारी में पूरे देश के अंदर आम आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है और मध्य प्रदेश की सरकार में बैठे पैसे से खरीदी हुई सरकार में बैठे और संविधान के खिलाफ जाकर सरकार में बैठे ऐसे शिवराज सिंह चौहान को मैं बोलना चाहता हूं कि अगर आम जनता के आप मामा हो, आम जनता के आप भाई हो, आम जनता को आपके दुख दर्द को अगर समझते हो तो ये सबसे बड़ा दुख दर्द है कि आज एमबीबी के बिल लगातार लाखों रुपए आम जनता को मिलते चले जा रहे हैं। मेरा निवेदन है आप लोगों के माध्यम से कि शिवराज चौहान जल्द से जल्द जनता की सुध लेना चालू कर दो, नहीं तो ये जनता तुम्हें कहाँ ले जाकर बिठा देगी, इसका अफसोस अब तुम्हें जीवन भर रहेगा। मैं अगले क्रम में हमारा और मक्सी रोड जोन का आंदोलन रहेगा, इसके बाद सी ऑफिस का आंदोलन हमारा बहुत बड़ा रहेगा जिसमें हजारों की संख्या में उज्जैन शहर के लोग और कांग्रेस के पूरे जिले का कार्यकर्ता इस घेराव के अंदर रहेगा। शहर एवं जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा चरणबद्ध आंदोलन, बिजली के जो इन्हें बिल बढ़ा बढ़ा कर
दिए राज्य शासन ने होया हो ना, उसके विरोध में जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी चरणबद्ध आंदोलन जारी रखेगी। और आज जो महानंदा नगर जोन का जो घेराव किया गया है उसमें हमने मांग रखी है कि जो बड़े वो बिल है उनको माफ किया जाए, ना कि उसका मतलब उसको रिकवरी को स्थगित किया जाए। हमारी सबके कांग्रेस जनों की एक ही मांग है कि जितनी बड़े वो बिल उन सबको माफ़ किया जाए और गरीब लोगों को ये सहायता दी जाए राज्य शासन के द्वारा। शिवराज सरकार के विरोध में हमारा यही सबका यही कहना है। उज्जैन से मयंगूजर की रिपोर्ट। देवास में लगातार भारी बारिश के चलते नेमावर में नर्मदा ने अपना रोध विकराल रूप दिखाया, जिसके चलते भयावह बाढ़ की स्थिति हो गई। जिसके बाद स्थिति की जानकारी मिलते ही देर रात विधायक आशीष शर्मा और प्रशासनिक अमला राहत और बचाव के रेस्क्यू कार में जुट गया था। साथ ही विधायक आशीष शर्मा बाढ़ की स्थिति देख काफी भावुक नजर आ रहे थे। गाय को डूबते हुए देख विधायक आशीष शर्मा ने खुद पानी में उतर कर गाय को बचाया। चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा था। उन्होंने क्षेत्रवासियों से सावधानी बरतने का आह्वान भी किया है। इस दौरान विधायक आशीष शर्मा, पुलिस एएसपी सूर्यकांत शर्मा समस्त पुलिस स्टाफ, नगर परिषद के सभी लोग देर रात कार में लोगों की मदद कर रहे थे। देवास से प्रिंस बैरागी की रिपोर्ट। ग्वालियर शहर में लगातार चोरी के मामले सामने आ रहे थे, जिसके बाद हजीरा थाना पुलिस को मुखबिर की सूचना पर पुलिस अलर्ट हो गई थी। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चोर गैंग के एक व्यक्ति चोरी की मोटरसाइकिल लेकर बेचने के लिए राठौर चौक के पास खड़ा था, जिसके बाद हजीरा पुलिस टीम ने आरोपी सहित दो मोटरसाइकिल, एक एक्टिवा, गैस सिलेंडर सहित कई चोरी के सामान जब्त किए हैं। साथ ही आरोपी से पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया कि उसके और उसने एक और साथी ने मिलकर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। आज मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि छोटू उर्फ जितेंद्र जाटव चोरी की मोटरसाइकिल को बेचने की फिराक में राठौर चौक पे यादव धर्मकांटा के पास खड़ा हुआ है, जिसकी सूचना की तस्दीक हेतु मुखबिर की हमने पुलिस को टीम बनाकर रवाना किया और घेराबंदी करके उसको दस्तयाब करने पर उससे पूछताछ की गई। पूछताछ पर उससे चार दो पहिया वाहन और एक सिलेंडर और एक पंखे की मोटर जब्त हुई है। और भी चोरियां होने की जानकारी भी पूछताछ में निकाल रहे हैं। और ये मोटरसाइकिलें जो हैं हमारे थाने की एक मुरैना से है, एक गोले के मंदिर से, एक कोतवाली से। इसके साथी और भी हैं कि ये सिर्फ अकेले चोरी करते हैं? हाँ, इसका एक साथी यशपाल मिर्धा, एक रिंकू डायमंड है, जिसकी हम तलाश कर रहे हैं और शीघ्र ही उसकी भी गिरफ्तारी करेंगे। ये पहले से भी इन्वॉल्व था चोरी में कि ये पहली बार? हाँ, ये पुराने रिकॉर्डेड अपराधी हैं। ग्वालियर से ओमपाल कौरव की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहे खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज़।